सीएम आईएम सुप्रीमो असुद्दीन ओबेसी को गौरक्षकों को आतंकवादी कहना भारी पड़ सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने ओबेसी के बयान को भड़काऊ बताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अगर जांच में आईएम आईएम प्रमुख दोषी पाए जाते हैं तो एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओबेसी ने कहा था कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने गौरक्षकों के नाम पर आतंकवादियों को पैदा किया है। गौरक्षकों को आतंकवादी बताते हुए ओबीसी ने कहा कि जिनके सिर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी दिखती है, ये लोग उनको मारते पीटते और बेइज्जत करते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग हमारा गला काटना चाहते हैं, वे वक्त और जगह बताएं। AIMIM सुप्रीमो ने कहा कि हम गला कटाएंगे तो शहीद कहलाएंगे, ना कि मरा हुआ कहलाएंगे। इस मौके पर उन्होंने मुस्लिम युवाओं से आह्वान किया कि वे देश में अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए मजबूत ताकत बनकर उभरे। ओबीसी ने बीजेपी के अलावा उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि इन नेताओं ने जरूरत के समय मुस्लिम समुदाय का साथ नहीं दिया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय नौजवानों से सवाल किया, अगर अजीत पवार, सुप्रिया सुले, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस नेता बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि AIMIM की स्थापना 65 साल पहले कुछ मुट्ठी भर लोगों ने की थी और कुछ लोग ही उसकी बैठकों में शामिल होते थे, लेकिन अब यह संख्या हजारों में जा चुकी है। ओबीसी ने शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा था तब वह चुप क्यों थे। उन्होंने कहा NCP चीफ शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए AIMIM का समर्थन करना चाहते थे, लेकिन संकट के समय में जब मुस्लिम समुदाय को समर्थन की जरूरत थी तो वह भूल जाते हैं, वह कभी आगे नहीं आए, हमें अपने नसीब पर छोड़ दिया, यह किस तरह की धर्मनिरपेक्षता है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ आरती। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।